करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अमंग द प्री स्कूल एज चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस करंट ट्रेंड्स, उसके लिए अगर हम स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको सजेस्ट करना चाहें कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टू बी अपडेटेड इन दिस फील्ड, कि आप करंट ट्रेंड्स को जानते रहें या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं टू प्रमोट मेंटल हेल्थ अमंग प्री स्कूल एज चिल्ड्रन। इसके लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या चल रहा है आज की दुनिया में, बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक ऑलरेडी सेड देयर इज लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज। सो जो इस फील्ड में आएंगे आप प्लीज़ ज़रूर स्टडी करो, बहुत ज़्यादा जर्नल पढ़ो, एंड मोर ओवर जो स्पेशल एडुकेटेड है, जो साइकोलॉजिस्ट है, अगर आपकी एनवायरमेंट में है तो उनके साथ आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करके रखो, सो दैट यू कैन बींग योर सेल्फ अपडेटेड। एंड नॉट ओनली दैट बच्चे को कैसे हैंडल करना है ये भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चे को तभी हैंडल कर पाओगे जब आप खुद बच्चा बनोगे। अगर आप बोलोगे यू आर ए टीचर देन यू नेवर बी अ गुड टीचर ऑफ अ किड्स, बिकॉज हमारा जो है ना वी आर वेरी वेरी वल्नरेबल एज जहाँ पे बच्चे मैक्सिमम सीखते हैं। आप जैसे एक छोटा सा पौधे हैं उनको अगर छोटे से या बहुत अच्छा खाद दोगे, पानी दोगे, मिट्टी ठीक से बनाओगे, तब जाके वो बहुत हेल्दी प्लांट बनेगा। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो उसी एज में आते हैं जहाँ पे उसको अच्छी तरह सब कुछ सिखाओ, गुड बिहेवियर। सी हमारे पास आके पीएचडी डिग्री नहीं लेंगे, हमारे पास आके बच्चे कोई कॉलेज एजुकेशन नहीं लेंगे, हमारे पास बच्चे आके मेनली बिहेवियर सीखेंगे जो है ऑनेस्टी, कंपैशन, लव, अफेक्शन, ये सब कुछ डेवलप हमें करना है थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी। प्रेशर दोगे तो आज जैसे ऑफन आई ऑब्जर्व दैट बच्चे को पढ़ाई, आपको भी अगर मैं पूछूं आप पढ़ने के लिए डरते हो, आप भी बोलोगे हाँ थोड़ा बहुत तो एग्जाम में डर रहता है या थोड़ा बहुत तो फियर तो होता ही है हमारा, हाँ बट ये फियर क्यों है, बिकॉज हमें ये टारगेट है मुझे पढ़ के एक गुड मार्क्स लाना है, कम से कम इस बच्चे को तो आप छोड़ दो, इसीलिए मेरे स्कूल में कोई एग्जाम कुछ नहीं है, आओ मस्ती करो, लर्न करो, जाओ, एंड ऑफ द ईयर आई कैन गारंटी मेरे बच्चे मैक्सिमम जानते हैं, क्योंकि वो जो भी है थ्रू एक्सपीरियंस थ्रू एक्टिविटी दे लर्न ऑल दिस थिंग। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि गुड बिहेवियर, तो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है जब बीएड लोग करते हैं उनको ही पढ़ाया जाता शुरू में ही, एक टीचर का क्या पर्पस, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है ना, टीचर का मकसद क्या होना चाहिए, तो मकसद ये नहीं कि बच्चों को पढ़ाना है, टीचर का ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों के बीच में जो स्टूडेंट्स आपके आ रहे हैं उनके अंदर सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर को डेवलप करना, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे, जो सोसाइटी अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है उसको प्रमोट नहीं करे, उनको बताए। तो ये बहुत अच्छा है कि आप उन चीज़ों को अभी से बच्चों के बीच में ला रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो आपने इन सारे सवालों का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जो हमारा मकसद था कि जो इस प्रोफेशन में आना चाहता है, बच्चों के बीच काम करना चाहता है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ये आपका जो डिस्कशन है, आपके जो पॉइंट्स जो आपने बताए, जो आपने विजडम शेयर किया है, बहुत हेल्पफुल होगा।